वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज है थर्सडे और सुबह का टाइम हो रहा है 9:30। और फाइनली मैं आपको एक न्यूज बताने वाली हूँ। हम इंडिया जा रहे हैं। मैंने अब तक ये इसलिए रिवील नहीं किया क्योंकि अंकुश की मम्मी के लिए एक सरप्राइज था, इसलिए मैंने अब तक रिवील नहीं किया था। बट ये वीडियो जब तक जाएगा तब तक शायद हम आप पहुंच चुके होंगे, तो इसीलिए। तो अभी हम आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए जाने वाले हैं। अगर मैं वहां कुछ रिकॉर्ड कर पाई तो मैं रिकॉर्ड करूंगी, एल्स पता नहीं, क्योंकि आरटीपीसीआर टेस्ट चाहिए। मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगी, सारे शेयर करूंगी एक्सपीरियंस। तो चलो जाते हैं टेस्ट के लिए। सो गाइस, हम लोग अभी आए हुए हैं आरटीपीसीआर टेस्ट करवाने। जैसे कि आपको पता ही है, हम लोग का ट्रैवल शेड्यूल्ड है और ट्रैवल से पहले अश्योर होना है यार। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि हमारे वैसे किसी और को प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए हम लोग आए हुए हैं मेड एक्सप्रेस और यहाँ पे आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना है। अर्जेंट केयर है ये, इन पाम बीच गार्डन्स। तो हाँ, यहाँ पे हम लोग ने सुना है कि रिजल्ट्स टाइमली मिल जा रहे हैं, तो बस होपफुली ट्रैवल से पहले आ जाए ताकि हम लोग भी अश्योर्ड हो जाएँ। अपनी तरफ से सारे प्रिकॉशंस लिए हुए हैं, बट यू नेवर नो। ये इतना ही कुछ है कि एक डर लगा ही रहता है मन में। सो अभी वेट कर रहे हैं हम लोग को, अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। हम लोग को कॉल आया था कि हम लोग के सारे डिटेल्स लिए गए, मेडिकल हिस्ट्री ली गई है, एंड फिर वो डिटरमाइन करेंगे कि क्या है आगे का स्टेप्स एंड ऑल। सो बस वेट कर रहे हैं उसी का कि कब हम लोग को बुलाएंगे। मिलते हैं आपसे टेस्ट के बाद। हम लोग आए हैं वॉक पे और वॉक जैसा स्पीड भी नहीं है हमारा वैसे तो। यस, हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं 33 मिनट्स पर माइल, तो बेसिकली स्नेल स्पीड पे ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है और अंकुश के गेटअप से पता चल रहा होगा काफ़ी ठंड है। बाय द वे, इसको ठंड नहीं लगती, बट उसने मुझे बोला था कि हुडीज मैं पहन लूं, बट मैंने नहीं पहना, उसकी बात नहीं सुनी क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहन लिया था और चेंज करने के लिए सिर्फ वॉक के लिए जाना बहुत बहुत आलस आ रहा था। तो ये हुआ, हम लोग आए बाहर और यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा एज यूजुअल, सिर्फ हम दोनों ही चल रहे हैं। एंड ये देखिए टाइम, अगर आपको दिखेगा इट्स 8:54 हो रहा है। इतना भी लेट नहीं हुआ है, यही अगर हम लोग इंडिया में रहते अभी तो, स्पेशली मुंबई में, स्पेशली कल्याण में तो ये टाइम कुछ भी नहीं है, ये टाइम बहुत नॉर्मल टाइम है हमारे लिए, तो इसलिए हमें थोड़ा अजीब लगता है। मुझे तो अभी तक अजीब लगता है कि लोग यहाँ कितनी जल्दी अपना दिन शुरू करते हैं और उतनी जल्दी रैप अप भी कर लेते हैं। पता नहीं अच्छी आदत है या बुरी आदत है, पता नहीं, पर ऐसा है। हम लोग जब भी निकलते हैं तो कोई नहीं होता, कुछ इंडियंस दिख जाते हैं जो बाहर बैठ के बातें बातें करते हैं, क्योंकि हमको यही आदत है कि 9 बजे तो नींद नहीं आती, कुछ भी करें 9 बजे नींद नहीं आती। मुझे आती है बट ऑप्शन नहीं रहता हाँ, क्योंकि मैं जगा के रखती हूँ टाइम पास करने के लिए। आज है 10th of December और हमें ट्रैवल करना है 12th of December को। सुबह 6 बजे हम निकल जाएंगे। हमारी फ्लाइट FLL से है, हमें वेस्ट पाम बीच से मिली नहीं, एक्चुअली मिली बट थोड़ी कॉस्टली थी, तो हमने FLL ही ऑप्ट किया। यहाँ से कैब लेके जाएंगे। मैं वैसे उस दिन पूरा कवर करूँगी व्लॉग्स वगैरह, तो उसका एक सेपरेट व्लॉग बनाऊँगी कि क्या है कैसा रहा एयरपोर्ट पे, उसका मैं सेपरेट व्लॉग एक कवर करूँगी, तो वो है।
हेलो एवरीवन। तो अभी टाइम हो रहा है, आज पहले दिन बता देती हूँ। आज की डेट है 11th of December और दिन है फ्राइडे। अंकुश का वर्किंग डे है, हमें पैकिंग करनी है बट कुछ हुआ नहीं है हमारा। तो वही मैं अंकुश को भी बोल रही थी कि हम कब पैकिंग करेंगे पता नहीं। और कल हाँ हमने आरटीपीसीआर टेस्ट दे दिया है, अंकुश ने जैसे बताया। हमने आरटीपीसीआर टेस्ट किया तो है बट रिजल्ट्स अभी तक आई नहीं है। और वैसे उन्होंने बोला था 2 to 3 days, तो आज तो 10:30 बजे नहीं 12 बजे पूरा 24 घंटा कंप्लीट हो जाएगा। तो मे बी कल तक आ जाए ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं, देखते क्या होता है। और अभी तक का तो अपडेट यही है कि हमारी पैकिंग नहीं हुई है। पैकिंग होगी मैं आपको दिखाऊंगी, क्या ही दिखाऊंगी, मतलब वही पैक कर रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि क्या क्या चीजें लेनी है, क्योंकि कोविड का टाइम है, ट्रैवल करते हुए थोड़ा रिस्क तो है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा है। बट क्या कर सकते हैं, वहाँ पे सब बहुत अकेले हैं और काफी टाइम हो गया मुझे मेरे घर को देखे हुए। मैं ऐसे इतने दिनों के लिए कभी नहीं गई, तो बोकारो भी इतने दिनों के लिए नहीं जाती थी, तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। मुझे लगता है एंड मेरे लिए जरूरी है अपने घर को एक बार देखना, अदरवाइज थोड़ा थोड़ा सा सफोकेटिंग हो जाता है मेरे लिए कहीं पे भी रहना अपने घर को इतने दिन तक छोड़ के। मुझे पता है कि इस दिसंबर के बाद मैं अभी शायद नेक्स्ट दिसंबर में ही जा पाऊँ, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जाके आ ही जाती हूँ, क्योंकि फिर अंकुश को छुट्टी नहीं होगी एंड ये इतना ईजी ट्रिप है नहीं कि हम बार बार जाते आते रहे, तो इसीलिए। एनीवेज तो अभी यही चल रहा है और हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है। लंच का कुछ पता नहीं क्योंकि हम दोनों ने काफी खा लिया था, पास्ता ही बना था अगेन, तो लंच का कुछ पता नहीं है। एक्चुअली मैं छोटी मोटी पैकिंग कर रही हूँ और घर में जो कुछ बचा हुआ है ये सब सब कुछ देखना है मुझे अभी। और अंकुश काम कर रहा है एंड जैसे कि आपने देखा अंकुश का फोन आ चुका है, सडनली कल आ गया, तो अंकुश का फोन आ गया है। तो अंकुश उसी के लिए कुछ के कुछ काम के लिए उस फोन में कुछ था पेंडिंग, तो उसके लिए वो गया है स्टोर, एक्सफिनिटी स्टोर गया जहाँ से हमने फोन लिया था, तो वहीं गया है। और अभी उसका ब्रेक आवर्स रहता है 12 to 1, तो वो उसी में जाता है, जो भी उसके काम होते वो करता है, तो ही इज देयर। तो जब 5 बज जाएंगे तो हमें 2-3 चीजें हैं, अमेजोन के कुछ ऑर्डर्स हैं जो हमें रिटर्न करना है। और यहाँ पे आप वो अगर आपको कुछ रिटर्न करना हो तो घर पे आके पिकअप नहीं करते अमेजोन वाले, यू हैव टू गो टू द UPS स्टोर और वहां पे जाके आपको अपने पार्सल को रख देना है, वो बारकोड स्कैन करेंगे एंड देन यू आर डन। तो ये चीजें हैं, तो हमें जाना पड़ेगा UPS स्टोर, पास में ही है जहाँ पब्लिक से उसके लेफ्ट हैंड साइड में ही है वो UPS स्टोर, तो हमें वहां भी जाना है। तो पब्लिक जाएंगे तो दूध चाहिए, क्योंकि कल सुबह एटलीस्ट चाय पी के तो निकलेंगे। सुबह हमें अर्ली मॉर्निंग 6 बजे निकलना है, मैं आपको दिखाऊंगी। सो चलो करते हैं आगे का काम, आज बहुत काम है, आज शायद ही मुझे किसी और चीज का टाइम मिले। टाइम हो रहा है सुबह के 4 और हमें 6 बजे निकलना है, इसलिए हम सब कुछ कर रहे हैं और हमारा हो गया है पैकिंग वगैरह, तो फिर बस निकलेंगे चाय पीकर। अंकुश बहुत सारी चीज़ें चार्ज कर रहा है एक साथ हो रहा, और तो बस जब निकलेंगे तो उसके लिए हम अलग से व्लॉग एक बना देंगे कि ट्रैवल कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और शुरू करूँगी नेक्स्ट व्लॉग, जिसमें मैं यहाँ से इंडिया तक के अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस को शेयर करूँगी। टिल देन बाय।
डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।